इसमें अभिशाप मिट्टी का दूसरा किसके द्वारा अभिशाप दिया जा रहा कर्ष कोई आपको कर्ष कर रहा है कोई आपको अभिशापित कर रहा है तो जब आपकी रिकॉर्डेड स्पीच पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है इसमें तो हमारे लिए अभिशाप की बात की जा रही है जैसे आता है मैं यू गो टू हेल्प बात नहीं हो रही बल्कि किसकी बात आ रही नर्क की बात आ रही मैं यू गो टू हेल आपको नर्क प्राप्त हो तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या किया जा रहा है कर्ष किया जा रहा है आप इसके आगे रिपोर्ट की वर्ब लगा दीजिए माय फादर सेड टू मोहन ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया रिपोर्टेड स्पीच हो गया मैं यू गो टू हेल्प आप नर्क को प्राप्त हो तो आप जरा देख लीजिए इसमें क्या चेंजिंग करनी है सेम चेंजिंग पूर्ववत की तरह रहेगा सिर्फ जब हेल आ जाएगा अर्थात अभिशाप की बात आएगी कर्ष की बात आएगी तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू के स्थान में अब तक जो हम ब्लेस रखते थे यहां पर कर्ष रख देंगे चूंकि बात किसकी हो रही है अभिशाप की इसलिए ब्लेस्ड के स्थान पर क्या आ गया कष्ट आ गया शेष परिवर्तन वैसे ही रहेगा जरा देख लीजिए आपने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को ले लिया माय फादर मेन वर्ब को चेंज कर देना है इसके स्थान पर आ जाएगा कष्ट माय फादर कष्ट मोहन कंजक्शन वही दैट माई फादर कष्ट मोहन दैट अब आ जाइए यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट क्या मोहन इस मोहन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ही और मैं को किसमें पास्ट का माई गो टू है संतरे साथ पर बन करके तैयार हो गया माई फादर कष्ट मोहन दैट ही माई गो टू है तो ये आप एक्टिव सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट है अभिशाप ये उसी से रिलेटिव है ब्लेसिंग से इसको हमने अलग अलग तौर पर इसलिए आपको बताया कि जिससे बात आपको समझ में आ जाए जब वरदान जब आशीर्वाद की बात आए रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के स्थान पर ब्लेस्ड और कंजक्शन दैट में को माइट चेंज करोगे लेकिन जब अभिशाप की बात आए कर्ष की बात आएगी तो आप एक परिवर्तन सिर्फ कर दोगे सेल टू के स्थान पर कष्ट हो जाएगा और बाकी परिवर्तन सेल टू सेम रहेगा दूसरा एग्जाम्पल जरा देख लीजिए बगैर सेट टू The landlord. May you get your may you. Get reserved for your email list. ये सेंटेंस है कुछ नहीं करना है इसके स्थान पर बेगर मींस क्या होता है भिखारी ये क्या कर रहा है अभिशापित कर रहा है बेगर कष्ट द लैंडलॉर्ड कंजक्शन क्या लगा दोगे दैट अब यू है सेकंड पर्सन लैंडलॉर्ड के लिए ये थर्ड पर्सन है यहां पर आ जाएगा ही माइट गेट
फॉर हिज, यहां पर यू आया है, हो जाएगा हिज इवेल दिस। इसी को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के दो पार्ट आपने पढ़ा, और इसको आप याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, जो बात समझ नहीं आएगी तो आपसे पूछिएगा। थैंक यू।